मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलो आज हम मैथमेटिक स्टैंडर्ड 5 नाउ स्टार्ट। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था लास्ट टाइम, आपने देखा होगा बच्चों। फर्स्ट चैप्टर है अवर नेशनल फूड मैंगो। ओके, मैंगो के बारे में यहाँ इस चैप्टर में बहुत सारी जानकारी गिवन है हमें। ओके, हाकुस, फिर लगड़ा, तोतापुरी, देसी, फिर बादाम और फिर ये मैंगो वाली डिज़ाइन। ओके, फिर यहाँ पर ये स्टोरी भी हमने पढ़ी थी। फिर मैंगो मार्केट में किस तरह से जाता है और किस तरह से सेलिंग होती है। ओके, फिर हमने ये टेबल भी काउंटिंग की थी। ओके, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लीजिए। ओके, फिर नाउ यहाँ पर है पेज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे आज। पेज नंबर 10 में है सम बिग नंबर्स। ओके बच्चों, हमने नंबर पढ़ते आए हैं। ओके, नंबर्स हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं। ओके, जूनियर सीनियर से तो पढ़ते आए हैं बट हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से ऑलरेडी 1, 2, 3 ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर फिर बिगेस्ट नंबर पढ़ते आए हैं ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर सम बिग नंबर की बात है। यू हैव लर्न अबाउट द नंबर्स लाख इन योर क्लास 4। ओके, अभी आपने क्लास 4 में 1 लाख तक के नंबर आपने पढ़े हैं। द मैथमेटिक टेक्स्ट बुक यू नो दैट इट इज़ द इक्वल टू 100,000। मैथमेटिक की टेक्स्ट बुक में है, हम जानते हैं कि वो 100,000 की इक्वल है। 1 लाख मतलब कि यहाँ पर देखो बच्चों, 1 लाख मतलब कि 1,000,000। ओके, मतलब कि 1, 10, 100,000, 10,000 और लाख। ओके, 1 लाख। ओके, ये नंबर हमने पढ़ा। ओके, तो ये कितके किन के इक्वल है? 100,000 के इक्वल। ओके, देखो यहाँ पर 1,000। ओके, 100,000। ओके, समझ में 1, 2, 3 मतलब कि 1, 10, 100। ओके, 100,000 के इक्वल है। ओके, तो यू ऑल्सो नो देर आर द अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ब्रिकलिन इन द अवर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड। ओके, तो हमने ब्रिक्स की Have you learned something else about the number lakhs? Write a thousands is number, write a 100,000 number. How many zeros are there in the 1 lakh? 1 lakh में हाँ कितने जीरो रहते हैं बच्चे? 5 0। ओके, हमने अभी देखा आपने। If there are 2 lakhs the transportation vehicles in your area, in half them the trucks, write a number trucks in your area. ओके, तो हमारे एरिया में कितने ट्रक्स हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं? तो अराउंड 1 लाख तो होगा ही, है ना? राइट, देखिए यहाँ पर है, इफ़ देयर आर 2 लाख ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स इन योर एरिया एंड हाफ ऑफ देम ऑफ आर ट्रक्स, मतलब कि 2 लाख हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके हाफ ट्रक हैं मतलब कि उसके आधे, तो 2 लाख के 2 लाख हैं। ओके, उसके हाफ मतलब कि 2 डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 1 लाख व्हीकल्स ट्रक हैं। ओके, हमारे एरिया में इतने ट्रक्स हैं। ओके, देखिए यहाँ पर है, हाफ देन आर ट्रक्स राइट देन और द ट्रक्स इन योर एरिया, तो 2 लाख आपको नोटबुक में लिखना है इक्वेशन, तो लिख सकते हो 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, फिर इफ वन द फोर्थ पार्ट ऑफ द दिस व्हीकल्स आर ट्रैक्टर्स, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ द ट्रैक्टर्स आर देयर? ट्राई एंड आंसर विदाउट राइटिंग। अभी लिखे भी ना हमें देना है, चलो फोर्थ पार्ट निकालना है। ओके, तो 2 लाख के फोर्थ पार्ट, 2 लाख के फोर्थ में डिवाइड करना है। ओके, तो 50,000। ओके, अंडरस्टैंड इट? तो इतने 50,000 हमारे एरिया में ट्रैक्टर होंगे।
यू विल बी वंडर्ड टू नो दैट सम मेनी पीपल्स आर एसोसिएट विद द बिजनेस ऑफ मैंगोज देर मेनी बी 100 lakh पीपल्स इन द टोटल हाउ हु ग्रो द मैंगो ट्रीज ग्रो मैंगोज एंड ट्रांसपोर्ट द मैंगोज द मार्केटिंग यार्ड सेल द मैंगोज अराउंड अस एंड वर्क इन स्मॉल और बिग मैंगो रिलेटेड इंडस्ट्री 100 lakh इज ऑल्सो नो एज 1 crore. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यू विल वंडर इट, मतलब कि हम जानते हैं कि 1 lakh के पीपल जो मैंगो ट्री ग्रो करते हैं, मैंगो ग्रोज एंड ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, मैंगो की मार्केट यार्ड में जाते हैं, मैंगो की सेलिंग करते हैं, ओके. फिर ये छोटा मोटा इंडस्ट्री वीडियो है, सॉरी बिजनेस है, ओके. कोई बिग सेलिंग करता है, कोई कम सेलिंग, मतलब कि तो बिग एंड स्मॉल एंड बिग मैंगो रिलेटेड इंडस्ट्री 100 lakh इज ऑल्सो नो एज 1 crore, ओके. 100 crore मतलब कि यहाँ पर देखो 100 lakh को हम 100 lakh बन जाता है ना, इसे 1 lakh है तो 100 lakh बनेंगे तो 1 crore, ओके. 1 crore नंबर बनेगा, ओके. तो यहाँ पर देखो मैं आपको काउंटिंग करके दिखाती हूँ, ये 1 की प्लेस, ये 10 की प्लेस, ये 100 की प्लेस, ओके. यहाँ पर 0 0 0, ओके. 1 10 100, ओके. फिर यहाँ पर 1000, फिर 10000, यहाँ तक आपको मालूम है, ओके. यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, फिर यहाँ पर लैक, ओके. फिर 10 lakh और फिर और 100, मतलब कि 1 आगे. देखिए यहाँ पर फुल्ली मैं आपको लाइक लिख के दिखा दूँ, 1 crore कैसे लिखना है. तो 100, ये 100 है और लैक, मतलब कि 50, ओके. तो ये हमारी हुई 1 crore. क्या हुए हमारे 1 crore, अंडरस्टैंड. इसे हम 1 crore पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh and crore, ओके. अंडरस्टैंड, इस तरह से आप नंबर को पढ़ सकते हो, ओके. इस चैप्टर में बच्चों मैंगो तो एक स्टोरी के रूप में है, बट हमें नंबर की रिक्वायरमेंट किस तरह से हम यूज़ करते हैं मार्केट में, नंबर कैसे यूज़ होता है, ओके. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट से हैं, ओके. नाउ चलते हैं आगे. वेर हैव यू हर्ड अबाउट द 1 crore, आपने 1 crore के बारे में सुना है, तो हाउ इज़ दिस नंबर यूज़, तो ये कैसे नंबर यूज़ होते हैं. एंड राइट द नंबर 1 crore, डोंट मेक मिस्टेक टू राइट 0. अभी यहाँ पर कितने 0 हमने किए थे बच्चों, देखा आपने, अगर नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज करके आगे थोड़ा करके देखिए कि मैंने 1 lakh में 1 crore में कितने 0 लगाए थे, ओके बच्चों. तो कितने 0 लगाए थे आपको ये मुझे बताना है, ओके. तो कितने 0 थे 1 crore में, कितने 0 थे, ओके. आप देखो यहाँ पर 7 0 लगाए थे मैंने, 7 0 थे, ओके. कितने 0 थे, 7. देखो यहाँ पर लिखती हूँ मैं 100 और लैक, लैक के 50, ओके. तो 100, ये 3 0, ओके. तो 1 crore, ओके. तो कितने 0 है, 7, ओके. नाउ यहाँ पर फ्रूट मार्केट की बात है. फ्रूट मार्केट, हैव यू एवर विजिट अ मार्केट यार्ड, फ्रूट और वेजिटेबल्स मार्केट. इफ़ यू डोंट, डू यू नो वाई इज दिस नोइजली प्लेस नो एज मार्केट. द मेजर फ्रूट्स मार्केट्स ऑफ द सिटीज आर बस बिजी, ओके, सॉरी बिजी. आई लार अ लार्ज स्टॉक ऑफ द मैंगोज हैज अराइव इन मैनी व्हीकल्स. अभी यहाँ पर देखो मार्केट याद होता है, आपने यहाँ हमारे सूरत की सरदार मार्केट देखी होंगी और अदर प्लेसेस देखी होंगे, ओके, जहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है, ओके. और फिर मार्केट सिटी एरिया में रहती है और बिजी होती है, ओके. तो नाउ वहाँ पर अराइव इन मेनी व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब मैंगोज बहुत सारे व्हीकल्स से आते हैं, कोई ट्रक से लाता है, कोई ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, कोई ऑटो रिक्शा है, कोई टेम्पो है, इस सारे
व्हीकल्स यूज़ करके मार्केट में मैंगोज आती हैं। ओके, द सेलर आर द कॉलिंग, द कस्टमर्स आर द शाउटिंग, स्पीकिंग आउट प्राइस एंड प्रेसिंग देयर ओन मैंगो, प्राइस एंड प्रेसिंग। चलिए, यहाँ पर फ्रूट मार्केट है, तो यहाँ पर एक सब्जी भाई है, कम हियर बिजी बाय द वलसाड तोतापुरी एट द रेट ऑफ द पर 40 पर केजी। ओके, क्या बोल रहे हैं कि सब्जी भाई हैं जो मैंगो सेलिंग कर रहे हैं, तो कम हियर हम कस्टमर को कैसे कहो बुलाते हैं, कम हियर आप तोतापुरी केरी ले लो। तोतापुरी मतलब कि हम काकड़ा केरी बोलते हैं ना, जो मीठी होती है। ओके, इस तरह से लॉन्ग सी होती हैं, उसे वलसाड की है जो पर केजी की कितनी रेट है, 1 केजी की 40 रुपीज़। ओके, 40 रुपीज़। ओके, फिर महिपत भाई नेवर सूची, अभी महिपत से महिपत भाई है जो नेवर सूची सस्ता नहीं बेचते, तो अल्फनोसो रेट 6 यही कैरी की उसने 1 केजी की 60 रुपीज़ लगा दी है। ओके, कितनी रुपीज़, 60। ओके, द मधुबेन इज सेलिंग गुड क्वालिटी केसर मैंगो रेट, यहाँ पर हाफूस है। ओके, सॉरी बच्चों, हाफूस केरी बेच रहा है महिपात भाई। देखो यहाँ पर तोतापुरी केरी की 40 रुपीज़ है भाई, महिपात भाई तोतापुरी नहीं बेच रहे, हाफूस केरी बेच रहे, तो उसकी है रेट पर केजी की 60 रुपीज़। फिर मधुबेन है जो केसर मैंगो बेच रही है, जो उसकी रेट है 150 पर केजी। राजाराम सेलिंग द लगड़ो एंड मैंगो एट द रेट ऑफ 50 पर केजी। देखो डिफरेंट मैंगोज़ की डिफरेंट सेलिंग भाव है। ओके, प्राइस है, तो लुक हियर दिस राइट, जयदीप सिंह हैज़ अ बोथ फ्रंट रो केसर्स मैंगो फॉर द ग्रीड टू द राइट नेट एट द होम 8 केजी बॉक्स। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक जयदीप भाई है जो गिर की केसर कैरी मंगाई है, उन्होंने घर पे ही उसको पका दिया है। ओके, आम हम घर पे पकाते हैं ना। ओके, ही सेज दैट दिस मैंगोज विल बी राइप एट योर होम इन द ऑर्गेनिक वे एंड ही विल चार्ज द $1,200 पर बॉक्स। एक बॉक्स कितने वो ले रहा है, ओके 1200। ओके, आप 1200 रुपीज़ ले रहा है, क्योंकि ये घर पे पका हुआ केसर केरी है। ओके, तो प्रैक्टिस अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ये भाव यहाँ पर हमें गिवन है। ओके, एट व्हाट प्राइस पर केजी डस जयदीप सिंह सेल द केसर मैंगो। अभी यहाँ पर जयदीप सिंह एट केजी के यहाँ पर वो किस भाव से सेलिंग कर रहे हैं, 1200। ओके, देखो यहाँ पर 1200 एट केजी का है, जयदीप सिंह ने यहाँ पर हैज़ बोथ द फॉर ग्रांट रो केसर मैंगोज फ्रॉम द गियर टू बी राइप एट होम इन 8 केजी बॉक्स। एक बॉक्स में 8 केजी है, जिसकी प्राइस है 1200, मतलब कि 1200 रुपीज़ है। ओके, तो अभी हमें सेल द केसर कैरी, तो एक पर केजी की कितनी कीमत होगी, तो हमें 1 केजी की कीमत ढूंढनी है। चलो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा पेज में करके दिखाती हूँ। ओके, देखो यहाँ पर 8 केजी की प्राइस है, 8 केजी की प्राइस है 1200 रुपीज़। ओके, तो हमें जानना है 1 रुपीज़ केजी की कॉस्ट ऑफ द 1 केजी, तो हाउ मेनी। ओके, तो 1200 डिवाइडेड बाई 8 केजी, क्या करना होगा, 8। ओके, तो हमें आंसर मिलेगा। ओके, अगर इस तरह से नहीं करना है तो देखो 12 और 1, ओके ये मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, और फिर ये ऊपर वाली है नंबर डिजिट, तो यहाँ पर नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ओके, आप लिख सकते हो इस तरह से, तो आपको सोचना है कि ये और इसके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है और ये डिवाइड में होगा, अंडरस्टैंड इट। अभी डायरेक्टली आपको लिखना आता है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। चलो अभी 1200 को हम 8 से
डिवाइड करेंगे, 8 1 8, ओके 12 माइनस 8 तो यहाँ पर 4 और ये 0। अभी 8 5 40, ओके यहाँ पर 0 0 और ये 1, ये 1 यहाँ पर, ओके और ये यहाँ पर 0 से, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आंसर आए, 150। तो ये आंसर क्या हुआ, ये जयदीप सिंह है जो 1 kg केरी मैंगो को 150 रुपीज़ में सेल कर रहा है, ओके अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आंसर होगा 150 रुपीज़। आपको ये मेटर से ये कर देना है आपकी नोटबुक में, ओके ये प्रैक्टिस है ना, ओके ये आपको नोटबुक में करना है। टुडे मधुबेन हैज़ सोल्ड 10 kg केसर मैंगोस, तो हाउ मच डिड ही सी अर्न फ्रॉम दैट। अभी मधुबेन ने 10 kg, सेकेंड मधुबेन ने 10 kg केसर केरी मैंगोस बेची है, ओके तो उसको कितने रुपए मिले होंगे, ओके तो केसर मधुबेन की केसर केरी के क्या भाव है, यहाँ पर यहाँ पर है देखो यहाँ पर, ओके केसर मैंगो रेट मधुबेन इज सेलिंग गुड क्वालिटी केसर मैंगो रेट इज 150 पर केजी। तो 150 एक केजी क्या भाव में बेच रहे हैं मधुबेन, ओके एक केजी 1 kg सेलिंग प्राइस इज 150 रुपीस। तो सो 10 kg बेच रही है मधुबेन, तो हाउ मेनी रुपीस, कितने रुपीस मिले उसे, तो 150 मल्टीप्लाई 10 होगी, ओके यहाँ पर अपॉन बाय 1, ओके अंडरस्टैंड। इसको कहाँ राइट करना है, तो ये और ये नंबर है जो मल्टीप्लाई के रिलेशन में होते हैं, ये नंबर यहाँ पर जो आप ये फॉर्मूला लगाओगे इस तरह से, 1 kg इक्वल टू 100 में सेलिंग कर रही है, ओके मधुबेन, ओके तो 1 kg की 150। तो नाउ अभी यहाँ पर 150 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 1500 रुपीज़ होगी, ओके तो उसे 1500 रुपये उसे पैसे मिलेंगे इतने, ओके अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पर 1500 रुपीज़, ओके ये आंसर, ओके ये कंप्लीट। आपको भी ये प्रैक्टिस नोटबुक पे लिखने हैं, ओके फिर यहाँ पर महिपत भाई हैं सोल्ड 6 kg, महिपत भाई ने 6 kg आफूस मैंगो बेची, ओके सब्जी महिपत भाई हैज़ सोल्ड 6 kg हाफूस मैंगो एंड सब्जी भाई हैज़ अर्न द सेम अमाउंट ऑफ महिपत भाई, हाउ मेनी केजीज ऑफ तोतापुरी मैंगोज हैव बीन सोल्ड बाय सब्जी भाई, ओके यहाँ पर समझ में आ रहा है। देखो एक महिपत भाई ने 6 kg केरी बेची, 6 kg मैंगो सोल्ड मतलब के बेची, ओके तो उन्होंने जितने रुपए कमाए उतने ही रुपए उन्होंने सब्जी भाई ने भी कमाए, ओके सब्जी भाई तो हाँ कौन सी केरी बेचता है, तोतापुरी केरी मैंगोस सेल करता है, बट इस महिपत भाई से तोतापुरी केरी के भी भाव प्राइस बहुत कम है क्योंकि वह चीप प्राइस में बेचता है। देखिए यहाँ पर महिपत भाई है जो 60 रुपीज़ पर केजी के भाव से बेचता है, और सब्जी भाई हैं जो 40 रुपीज़ पर केजी के भाव से बेचता है, ओके दोनों के कॉस्ट में मतलब कि प्राइस में बहुत डिफरेंसेस हैं, बट महिपत भाई ने जितने रुपए कमाए उतने ही सब्जी भाई ने भी कमाए, तो सब्जी भाई ने कितनी केरी ऐसी इतनी बेची होगी, कितनी केजी केरी मैंगोस बेची होंगी कि उन्हें इतनी ही कमाई हुई, समझ में आई ये क्वेश्चन आपको बच्चों। तो हम करते हैं, देखो यहाँ पर महिपत भाई महिपत भाई है सोल 6 kg केरी, ओके यहाँ पर 6 kg केरी बेची उसने, उन्होंने महिपत भाई ने 1 kg की
6 kg केवी, ओके मैंगोज, ओके। चलिए यहाँ पर महिपत भाई ने 6 बट पर केजी की कितनी प्राइस है उसकी, 60 पर केजी, ओके। यहाँ पर देखो 60 पर केजी, ओके 60 पर केजी, ओके। तो 6 केजी का हाउ मेनी, तो 60 मल्टीप्लाई 6 करना होगा, तो 36 रुपी उसने कमाए, ओके समझ में आए। तो उसने महिपत भाई ने 6 केजी केरी बेच के इतनी रुपए कमाए, तो सौजी भाई ने भी इतने ही रुपए कमाए, बट उनकी केरी के भाव क्या हो, प्राइस क्या है 40, ओके समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमें क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पर सौजी भाई सेल तोतापुरी मैंगोज, सौजी भाई सेल्स तोतापुरी मैंगोज एट द रेट कितनी प्राइस से बेची, 40 रुपीस पर केजी, ओके। तो उन्होंने उनके पास कितनी 1 केजी, ओके। तो उनको कितनी हुई, सो वेट ऑफ द मैंगोज, अब यहाँ पर 36 रुपये में हाँ मेरी, ओके क्योंकि उन्हें इतना ही रुपया मिला उनको, ओके। तो यहाँ पर 360 रुपीस में कितनी मैंगोज सेलिंग की होगी, तो 36 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 40, ओके। तो 0 कट, 4 1 4 4 9 36, ओके। तो ये कट हुआ, ओके। तो 4 कट, यहाँ पर ऊपर क्या बजे 9 और नीचे 1, तो 9 केजी केरी मैंगोज उसने बेची होगी, किसने बेची होगी, सौजी भाई ने, ओके। तो नाउ आंसर इज सौजी भाई 9 किलो केजी सोल बाय 9 किलो तोतापुरी मैंगो एट 1 डे, ओके। यहाँ पर आंसर इज 9 केजी, ओके अंडरस्टैंड। ये आपको जब मैं वर्कबुक में करवाऊँगी तो ये फिर से प्रैक्टिसेस अच्छे से होंगी, तो ये यो क्वेश्चन आपको करना है। ये यहाँ पर हमें प्राइस लिखे हैं, कोस्ट प्राइस, और ये आपको करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, आपको नोटबुक लेके बैठना है और ये लिख देना है क्वेश्चन के आंसर, ओके। मैंने करवाए ये सारे, ओके। तो आप ये अच्छी तरह वीडियो देखें और करें, ओके बच्चों। अभी यहाँ बोलेंगे कि इसमें तो कुछ लिखना नहीं है, बट आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं इसमें, ओके। चलो नाउ चलो नाउ पेज नंबर 12 पे हैं। 4 पेशन राज इज 100 रुपीज़, ही स्पेंड 4th पार्ट ऑफ द अमाउंट टू बाय लगड़ो मैंगो, ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ द 3/4 अमाउंट बाय केसर मैंगो, ओके। राज के पास ओनली कितने रुपए हैं, 100 रुपीज़ हैं, ओके। तो उसने उसके फोर्थ पार्ट मतलब कि 100 के फोर्थ पार्ट मतलब के 25 रुपीज़, ओके। तो 25 रुपीज़ उसने लगड़ो केरी परचेस करने में लगा दिए, ओके। फिर बाकी जो बचे पैसे उसने केसर मैंगो परचेस की। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी केजी लगड़ो मैंगोज ही हैड बोथ, एंड बी है हाउ मेनी केजी केसर मैंगो ही हैड बोथ। यहाँ पर उसने कितनी लगड़ो केरी परचेस की और कितनी केसर केरी परचेस की, तो हमें यहाँ पर करना। देखो ये क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ, ओके। फर्स्ट यहाँ पर राज के पास हाउ मेनी रुपीज़, तो राज के पास 100 रुपीज़ है, ओके। उसने फोर्थ पार्ट मतलब कि 100 के फोर्थ पार्ट मतलब कि 25 रुपीज़ उसने
लगड़ो केरी परचेस की। ओके, तो लगड़ो केरी की कीमत क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर आगे ही देखना है। ओके, लगड़ो केरी की प्राइस है वर्क पर केजी 1 केजी के 50 रुपीज़। ओके, तो 50 रुपीज़ में आप देखो, 50 रुपीज़ में हमें तो पैसा है, तो पहले हम आगे पैसे ही लिखेंगे। 50 रुपीज़ पर केजी में हम 1 केजी मैंगोस रो खरीद सकते हैं, और सो 25 रुपीज़, तो हाउ मेनी केजी मैंगो। ओके, अंडरस्टैंड, तो 1 × 25 अपॉन बाय 50। ओके, अंडरस्टैंड, तभी हमें कट करना आता है ना बच्चों, तो आपको मालूम है 50 × 25 = 25 × 10 = 5 यहाँ पर 1 और 2। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आए, 25 × 25 और 25 × 50। देखो यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ आपको, 25 × 25 और 25 × 2। ओके, मतलब कि 25 × 25 कट, तो ऊपर 1 बच गया और नीचे 2। ओके, तो यहाँ पर 1 और 2, मतलब कि 1.5 केजी। ओके, अंडरस्टैंड, तो 50 रुपीज़ में 1 केजी के मैंगोस आती हैं। ओके, तो 25 रुपीज़ में 1/2 केजी, मतलब कि 1/2 केजी मैंगो आएगी। ओके, तो आंसर हमारा यहाँ पर 1/2 केजी। ओके, अंडरस्टैंड, फर्स्ट का आंसर 1/2 केजी किस तरह से आया, तो यहाँ पर मैंने करके दिया, हाउ मेनी केजीज केसर मैंगो ही हैड बोथ। अब यहाँ पर देखो, 100 रुपीज़ में से 25 तो ख़त्म हो गए पैसे, हमने लगड़ो केरी में परचेस करने में लगा दिए। ओके, तो उसके पास कितनी बच गई, देखो यहाँ पर सेकंड का आंसर, तो उसके पास 100 रुपीज़ थे, उसमें से उसने 25 रुपीज़ की क्या परचेस कर दी, लगड़ो केरी परचेस कर दी। अभी उसके पास 75 रुपीज़ बचे, कितने बचे उसके पास, 75 रुपीज़ बचे। अभी 75 में उसने 75 रुपीज़ में उसने कौन सी केरी परचेस की, केसर केरी, कौन सी केरी, केसर केरी ली उसने। ओके, तो केसर केरी का भाव क्या था बच्चों, देखो 150 रुपीज़ में 1 केजी आगे हमने देखा। ओके, आप देखो आगे, ओके, 150 रुपीज़ पर केजी। ओके, तो 150 रुपीज़ में 1 केजी मिलता है, तो हमारे अभी राज के पास तो 75 रुपीज़ से बचे, तो 75 रुपीज़ में हाउ मेनी केरीज, ओके, हाउ मेनी केसर मैंगोस, तो 1 × 75 upon 150। ओके, अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर 150 है, 75 किसकी टेबल में थी, 25 × 3 = 75 और 150 है, सॉरी 150, तो 75। ट्राई टू स्पीक रेपिडली, हियर द टंग ट्विस्टर इज गिवेन, रिपीट इज रेपिडली। एक्चुअली यहाँ पर रो मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो शॉर, मैंगो स्वीट, रो मैंगो, राइप मैंगो, शॉर मैंगो, स्वीट मैंगो, इस तरह से आपको रिपीट करना है, स्पीक करता है। चलो यहाँ पर है वुमन आमरा बैंक ऑफ द मैंगो प्रोड्यूसर्स। द मीटिंग ऑफ द वुमन आमरा बैंक, इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड। ओके, मधुबेन इज अ चेयरमैन, दिस बैंक इज एस्टाब्लिश बाई 20 मेंबर, एवरी मेंबर सेव 25 per month एंड डिपॉजिट इन द बैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रुपीज़ आर कलेक्टेड बाई दिस ग्रुप इन एवरी मंथ एंड हाउ मेनी रुपीज़ विल बी कलेक्ट इन 10 ईयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर है एक बैंक स्टार्ट हो रही है, वुमन आमरा बैंक। ओके, उसके चेयरमैन मधुबेन है और उसमें और 20 मेंबर्स भी हैं। ओके, मधुबेन को इंक्लूडिंग करके 20 मेंबर्स है, टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल 20 मेंबर्स है। तो एवरी मेंबर एक महीने में 25 रुपीज़ डिपॉजिट करवाती है। ओके, तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज़ आर कलेक्टेड बाय द ग्रुप इन एवरी मंथ। ओके, एवरी मंथ एक महीने में
एक मेंबर 25 रुपीज़ करवाती हूँ। ओके, तो टोटल मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर क्वेश्चन ए, टोटल मेंबर्स कितने हैं बच्चों? टोटल 20 मेंबर्स है ना, आप कोई बोल नहीं रहे हो, मैं राह देख रही हूँ, 20 मेंबर्स एंड रुपीज़ कितने हैं 25। ओके, एक मेंबर ऑलरेडी 25 रुपीज़ देता है। ओके, तो 500 रुपीज़ हुए। ओके, मंथली, तो यहाँ पर आंसर हम देख सकते हैं द 500 आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ। ओके, अंडरस्टैंड। अभी नाउ देखो, सेकंड क्वेश्चन था कि अगर एक मंथ में इतनी रुपीज़ कलेक्ट करें तो 10 ईयर्स में कितने रुपीज़ कलेक्ट होंगे। ओके, 10 ईयर्स में हाउ मेनी रुपीज़ कलेक्ट दिस ग्रुप। ओके, ऐसे क्वेश्चन है। चलो, हमें ये ईयर है तो हमें मालूम है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। ओके, तो हमें पहले ईयरली ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो आप 1 ईयर में कितने होंगे कलेक्ट, 1 ईयर में कितने कलेक्ट होंगे? अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो कि 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। ओके, तो 10 ईयर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ? ओके, तो 12 × 10 इज इक्वल टू 1, मतलब कि 120 मंथ। 10 ईयर्स के कितने होते हैं 120 मंथ्स। ओके, अंडरस्टैंड। तो सो हम अमाउंट कलेक्ट इन 1 मंथ 500 रुपीज़। ओके, सो अमाउंट कलेक्ट इन 12 मंथ हाउ मेनी रुपीज़? तो 500 × 12/1। ओके, तो 12 × 5 = 6 और 1, 2, 3 यहाँ पर 0 लगाना भूल गए हम, यहाँ पर 0। ओके, और 1 0, तो 60,000 रुपीज़ 10 ईयर्स में अमाउंट कलेक्ट होगी। तो आप आंसर लिख सकते हो 60,000 रुपीज़ विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। ओके, ये आपको क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं। ओके बच्चों, अभी नाउ प्रैक्टिस टाइम है, ये प्रैक्टिस टाइम, ये इतना तो हमने कर लिया। प्रैक्टिस टाइम में रेखा बोरोड अ लोन ऑफ 4,000 रुपीज़, से पेड 345 टू बैंक एवरी मंथ इन फॉर अ ईयर। हाउ मेनी रुपीज डिड ही सी पे टू द बैंक? हाउ मेनी रुपीज आर एट टू बी पेड? अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रेखा ने बैंक से पैसे ऐसे बोरोइंग पे लिए। ओके, तो बोरोइंग पे लिए 400 रुपीज़, फिर वो चुकाती है, किस्तों में पेड करती है। 1 किस्त उसकी 345 रुपीज़। ओके, तो टोटल वो 1 ईयर में उसके पैसे कंप्लीट पे कर देती है, पेड कर देती है। ओके, तो हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही पेड द बैंक? ओके, 1 मंथ में वो कितने रुपीज़ पे करती हैं? चलो हम मेथड से करेंगे। ओके, थोड़ा तो ए, ओके, तो अमाउंट पेड इन 1 मंथ इज इक्वल टू 345 रुपीज़। ओके, सो अमाउंट पेड इन 12 मंथ, सो अमाउंट पेड इन 12 मंथ में, तो हाउ मेनी? ओके, तो 345 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10 / 1। ओके, 345 डिवाइड
मल्टीप्लाई, चलो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है। ओके 0, 5, 1, 4 ज़ा 4 और 1, 3 ज़ा 3, 2, 5 ज़ा 10, 1 कैरी 2, 5 ज़ा 2, 4 ज़ा 8 और 1, 9 और 2, 3 ज़ा 6 प्लस 0, 9 और प्लस 5, 40, 1, 6 और 1, 7 और 4, 11, 11, 1, 1 कैरी 1, 3, 4, मतलब कि 4,140 रुपीज़ पे करती है टोटल। ओके तो अभी उसको क्वेश्चन अगर आगे क्या पूछा है उसने कि हाउ मेनी रुपीज़ एट टू बी पेड, अभी कुछ बाकी रहेगा है। तो नाउ नाउ सी डज नॉट नीड, अभी उसको नीड टू पे एनी अमाउंट टू द बैंक। ओके क्योंकि उसने कितने लिए थे, 4,000 लिए थे और उसने किस्तों में भी इंटरेस्ट के था इतने रुपए उसने बैंक में पे कर दिए। ओके तो अभी कुछ रुपए उसको देना नहीं बाकी। अभी नेक्स्ट है मीरा एंड हर ब्रदर बोरो द लोन, मीरा और उसके बहन ने सॉरी भाई ने लोन लिए हैं 21,000 टू बाई न्यू प्लांट ऑफ द गिफ्टेड ग्राफ्टेड द मैंगो ट्रीज। दे पेड द बैंक 23,520 रुपीज। तो इन अ ईयर हाउ मेनी रुपीज द वुड यू पेड एवरी मंथ, अभी यहाँ पर उसने मीरा और उसके भाई ने इतने रुपए 21,000 रुपीस लिए हैं। ओके तो उन्होंने पूरे साल में मिलाकर 23,520 रुपीस पे कर दिया। ओके तो उसने मंथली कितने रुपीस दिए होंगे, तो 12 मंथ के उसने कितने चुका दिए, उसने पेड कर दिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी में है। देखो यहाँ पर अमाउंट पेड इन द पेड इन 12 मंथ। ओके तो कितने हैं यहाँ पर अमाउंट, 23,520 रुपीस। ओके तो 1 मंथ तो अमाउंट पेड इन 1 मंथ हाउ मेनी, तो 23,520 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12। ओके अंडरस्टैंड, तो आपको ये आंसर क्या होगा, 23,520 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके 12 वन ज़ा 12। ओके यहाँ पर 1 है सॉरी 1 यहाँ पर 1। ओके यहाँ पर 50 12 9 ज़ा 108। ओके तो 5 में से 8 0 यहाँ पर 50 50 में से 8 तो 7 0 0 और यहाँ पर बच गया 2 तो नीचे करना है तो 12 6 ज़ा 72। ओके 0 0 0 0। ओके तो हमारा कितने उसने मंथली पे किए होंगे, 1,960 रुपीज़ मंथली पे किए होंगे। ओके अंडरस्टैंड बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चंस नोटबुक में करना है सारे। चलो नाउ अलाइड वुमन वेर नॉट एक्टिव इन द मैंगो बिजनेस बट नाउ मधुबेन एंड अदर वुमन्स एंड एंगेज इन द मैंगो बिजनेस थिंग द आर द चेंजिंग नाउ देयर बैंक ऑल्सो हेल्प देम इन दैट दिस वुमन आर गिवेन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बिजनेस एंड ओरिएंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एट होम रिलेटेड ट्रेनिंग टू हेल्प देम
became self-reliant and contribute in to economic development of the family. अभी पहले वुमेंस भी अभी के वुमेंस भी मैंगो का बिजनेस करती हैं, स्मॉल में करती हैं, ओके, और बड़ा बिजनेस भी करती हैं. नाउ डोंट वी स्टार्टेड द बिजनेस प्रिपेयरिंग द मैंगो पल्प. अभी हमने भी मैंगो का बिजनेस पल्प का बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके. तो यहाँ पर सम वुमन एसोसिएट विद द वुमन आमरा बैंक वॉन्ट टू द स्टार्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ द प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प एट होम. दे हैव रिक्वायर्ड प्लेस फ्रॉम द पंचायत फ्रॉम इट. दे हैव सेव 75,000 लास्ट ईयर. द मेड कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्टअप दिस न्यू इंडस्ट्री. अभी यहाँ पर आमरा बैंक है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज चालू कर रही हैं, ओके, मैंगो पल्प का. और न्यू तो उन्होंने प्लेस मतलब कि उन्हें अभी कुछ भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें जगह की ज़रूरत होती है, प्लेस की ज़रूरत है. तो उन्होंने पंचायत से इतनी रुपीज़ से ली थी, ओके. द मधुबेन प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स फॉर द स्टार्टिंग दिस वर्क. दिस आइटम्स शुड बी परचेज इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क. ही कॉस्ट एंड नंबर्स ऑफ द आइटम ऑफ दिस थिंग्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर्स. अभी यहाँ पर मधुबेन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ यहाँ पर टेबल बनाए हैं कि किस आइटम की कितनी ज़रूरत रहेगी और उसकी भाव कितनी है. तो हमें चलो फर्स्ट है मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि पल्प निकालने के लिए मिक्सर ग्राइंडर भी लेना पड़ेगा. तो उसकी कॉस्ट है 3,000 रुपीज़ और नंबर ऑफ वन आइटम के लिए है, ओके. तो इसकी खर्च कितनी हुई, तो 3,000 रुपीज़, ओके. एक ही आइटम लिए उसने, एक ही मिक्सर ग्राइंडर लिया. द थर्मोकोल आइस बॉक्स द प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प. अभी यहाँ पर थर्मोकोल लिया है, उसने कितने लिए हैं, 20. तो 200 × 20, ओके, एक की कीमत है या 2 × 4 एंड 1, 2, 3, 4 2,000 × 20 तो 40,000 इतने उसने थर्मोकोल के आइस बॉक्स परचेस करने में लगा दिए. बिग पोर्ट्स हैं तो 1,000 है, तो ऐसे फोर पोर्ट्स खरीदे उसने, तो ये कितने होंगे, 4,000 होंगे. एक की कीमत कितनी है, 1,000, ओके. तो ऐसे फोर परचेस करना है तो 4,000, ओके. फिर ट्रे एंड नाइफ, तो एक कितनी खरीदी उसने, 20 आइटम खरीदी, 20 आइटम्स खरीदी, मतलब कि वन आइटम की 300 रुपीज़ है. तो 300 × 20 रुपीज़ का 20 करना है. तो यहाँ पर आंसर सोरो बच्चों 3×2 = 6, ओके. यहाँ पर 0 × 0 = 6,000 होगा, ओके. फिर बकेट है जो 75,000 की है, सॉरी 75 रुपीज़ की है, और नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 20. तो एक बकेट की कीमत है 20 रुपीज़, तो एक बकेट की कीमत है 75 रुपीज़. तो उसने 20 बकेट्स खरीदी हैं, ओके. तो यहाँ पर 75×50, ओके, और 0×0 = 150 और 0 75×150 और 0, ओके. तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसिव क्या हुआ, कितने हुए, यहाँ पर टोटल करना है. चलो हमें टोटल करना है 0 0 0 0 0, फिर 0 है सेकंड में भी 0, ओके. 100 की प्लेस में ये 5, फिर 1,000 की प्लेस में ये 3 + 7 ये 6, 30 30 and 1 40 40, यहाँ पर 4 एंड 1 कैरी, 1 एंड 4 5, मतलब कि टोटल 54,500 रुपीज़. वेन द एक्स्ट्रा पल्प फ्रॉम द मैंगो इट्स वेट 1/3 ऑफ द मैंगोज.
दे हैव द प्लांट एक्स्ट्रा पल्प फ्रॉम द 600 केजी मैंगोज इन द इन अ मंथ. हाउ मच मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर्ड इन अ मंथ. अभी यहाँ पर चलो यहाँ पर है 6000 केजी की एक्स्ट्रा पल्प निकालनी है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2000 ओके केजी मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर्ड इन अ मंथ. ओके रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पर 3000 केजी है, 1000 वेट इन पल्प फ्रॉम मैंगो. ओके तो हाउ मच मैंगो विल बी प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पर आंसर 2000 केजी. ओके नाउ मधुबेन लेट्स कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट 6 केजी मैंगोज. अभी यहाँ पर चलो मधुबेन लेट्स कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट 6 केजी मैंगो की बात कर रही हैं यहाँ पर. तो 4 25 मैंगोज 50 पर केजी, 15 रुपये में उसने 1 केजी मैंगो कर दिए और उसने सेल किए हैं पल्प को 70 पर केजी. 50 रुपीज़ की 15 रुपीज़ में 1 केजी मैंगो उसने परचेस किए, फिर उसकी पल्प निकाली और उसको 70 पर केजी में बेचा. इफ़ वी एक्स्ट्रा मैंगो पल्प फ्रॉम द 6 केजी मैंगो वी गेट, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर वी एक्स्ट्रा मैंगो पल्प 6 केजी को 3 से डिवाइड करना है, 2 केजी मतलब कि 2 केजी पल्प एक्स्ट्रा है. ओके क्योंकि यहाँ पर 1.5 देखो ये 3 कहाँ से है, 1.5 मैंगो इट वीथ का 1.5 मैंगो एक्स्ट्रा. ओके द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 6 केजी मैंगो मैंगो 6 × 50 पर केजी. ओके अंडरस्टैंड, ये 6 केजी के उसने टोटल कितने पे किए, क्योंकि 1 केजी के 50 रुपीज़ तो 6 केजी के 90. तो अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग 2 केजी मैंगो पर, तो 2 केजी सेलिंग का कितना हुआ, 2 × 70 क्योंकि 70 में क्या बेचा तो 140, 7 × 2 = 40. ओके तो देयर फॉर द अमाउंट बाय सेलिंग द पल्प प्रिपेयर द 6 केजी मैंगोज, तो यहाँ पर उसने 90 में सेलिंग पल्प प्रिपेड फ्रॉम द अमाउंट, यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि 140 में उसने 140 में से 90 खर्च कर दिए थे. ओके तो उसको 140 में से 90 को माइनस करना है, तो यहाँ पर 50 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई ऐसे समझ लो आप. तो इफ़ वी प्रिपेड मैंगो पल्प 6000 केजी मैंगोज तो अमाउंट वी अर्न 1 केजी में देखो यहाँ पर 50 रुपीज़ पड़ता है ना यहाँ पर, तो 50 रुपीज़ तो मल्टीप्लाई 1000. ओके अंडरस्टैंड, तो 50000 अंडरस्टैंड नहीं बच्चों. अभी नाउ यहाँ पर है नेक्स्ट, ऑल द वुमन आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लान, एवरी वन विल बी गेट गुड प्रॉफिट एंड विल गेट वेज फॉर द वर्क डन बाय देम. द अनिता आई हैव फाइंड आउट द अनदर कैलकुलेट डेट ऑफ 50-100 केजी आइस विल बी रिक्वायर्ड एवरी मंथ, आइस कोस्ट इज 2 पर केजी, देयर फॉर मंथली एक्सपेंसिव आइस में देखो 1500 रुपये वो 1500 केजी आइस लेती हैं, तो 2 केजी का कितना हुआ, 50 × 2 = 30 और 20 के 3000. ओके फिर पैकिंग चेंज एंड रिक्शा फेस फेयर, अभी रिक्शा की और पैकिंग की खर्चे कितनी हुए, 3000. ओके तो टोटल मंथली एक्सपेंसिव बाइंग द मैंगोज एंड सेलिंग मैंगोज पल्प, तो 3000 + 3000 = 6000. ओके तो मधुबेन ओ हाउ नाइस, फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी नो डेट अवर बैंक विल बी अर्न 44000 पर मंथ, चेक डू यू गेट दिस सेम आंसर. अभी यहाँ पर देखो 50000 - 6000, अभी आप बोल रहे हैं 50000 कहाँ से आए, तो डिपॉजिट बैंक में हुई थी ना. ओके तो इसमें से 44000. ओके अंडरस्टैंड, तो आई गेट सेम 44000 आंसर. ओके तो
अभी यहाँ पर ब्यूटीफुल सॉन्ग आपको आपके टून के साथ में गाना है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 2 तो हमने कर दिया है। ओके, तो नाउ आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, अंडरस्टैंड इट? नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।